15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना चुका है, लेकिन हमारे देश में ही शिमला से 33 किलोमीटर दूर ठियोग कस्बे में स्वाधीनता दिवस हर साल 16 अगस्त को मनाया जाता है। इसके पीछे का इतिहास गौरवमयी है। भारत बेशक वर्ष 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन ठियोग में देश के पहले प्रजामंडल का गठन 1946 में ही हो गया था। उस समय 360 रियासतों, राजाओं, राणाओं, नवाब और निजाम के शासन वाला बाकी देश अंग्रेजों से मुक्ति के लिए लड़ रहा था। ठियोग रियासत की जनता के दबाव में यहां के राजा कर्मचंद ने गद्दी छोड़कर 16 अगस्त 1947 को ही अपने अधिकार प्रजामंडल को सौंप दिया। प्रजामंडल का प्रधानमंत्री सूरत राम प्रकाश को चुना गया। उनके साथ 16 अगस्त को ही गृह मंत्री बुद्धिराम वर्मा, शिक्षा मंत्री सीताराम वर्मा सात समेत अन्य 8 मंत्री ने पद की शपथ ली। प्रजामंडल के पहले प्रधानमंत्री सूरत राम प्रकाश के बेटे और रिटायर्ड शास्त्री जय प्रकाश बताते हैं कि देश में पहला प्रजामंडल ठियोग में बना। देश बेशक 1947 में आज़ाद हो गया, मगर ठियोग से पहले कहीं भी ना प्रजामंडल बना और ना मिनिस्ट्री का गठन हुआ। ठियोग में प्रधानमंत्री समेत 8 मंत्रियों ने 16 अगस्त 1947 को पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रजामंडल का गठन तो 1946 में ही कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।